हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए गाइस, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, हम कहें बायोकेमिस्ट्री, बायो मॉलिक्यूल्स आप कह दें, जैव अणु कहो, जैव रसायन कहो, कुछ भी आप इन्हें कह सकते हो। जनरली मैं सिर्फ आपको इनके क्या करवाऊंगी, जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर करवाऊंगी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो टॉपिक है ये आपका एक और बायोलॉजी का पार्ट जो है वो भी कम्प्लीट करता है, जिसे हम जनरली न्यूट्रिशन कह देते हैं। बायोलॉजी में अगर हम कहें न्यूट्रिशन टॉपिक, चलो वो अलग बात है, या फिर अगर मैं स्पेसिफिकली आपको कह रही हूँ कि हम बात कर रहे हैं जैव अणु की, जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जनरली हम क्या करते होते हैं, कुछ अलग अलग पोषक पदार्थ जो हैं वो हम पढ़ते होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रोटीन्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं फैट्स के बारे में, लिपिड जिसको हम कहते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, अलग अलग विटामिन्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बारे में यानी कि जो डीएनए है, आरएनए, इन सभी के बारे में हम जनरली इस टॉपिक में बात करते हैं। तो आज हम इन्हीं के कुछ स्पेशल जो क्वेश्चंस हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वही क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं जो जनरली कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, या फिर इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में क्या है बनते हैं। तो हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन को सिर्फ आंसर नहीं करेंगे बल्कि उसका हर एक ऑप्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो तो आपको क्लियर होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ जितने भी दूसरे और ऑप्शन हैं उनसे रिलेटेड जो जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो भी सारी क्या हो जाएंगी, पता चल जाएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो जो इसमें लिखा हुआ है, स्टार्च और सेल्यूलोज जो है वो किसके उदाहरण हैं, यानी कि जो स्टार्च है और जो सेल्यूलोज है वो बेसिकली किसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हाँ जी, ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, सामान्य शर्करा यानी कि ये नॉर्मल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, नॉर्मल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा जो है, हाँ जी क्या है, ये फैटी एसिड्स है, क्या ये वसीय अम्ल है। तीसरा ऑप्शन जो है वो है कि क्या ये प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं, और फोर्थ नंबर पे क्या है, ये एमिनो अम्ल के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा सामान्य शर्करा। जब हम बात करते हैं स्टार्च की और हम बात करते हैं सेल्यूलोज की, तो ये जनरली किसके अंडर आते हैं, सामान्य शर्करा, लेकिन सामान्य शर्करा में भी ये पॉलीसेकेराइड के क्या है, एग्जाम्पल हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज, स्टार्च जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, देखो ध्यान रखना है, जब भी आपके पास लिखा हुआ आएगा स्टार्च, तो इस स्टार्च को बोला जाता है पादपों का संचित भोजन। क्या बोला जाता है, पादपों का संचित भोजन जो है वो क्या है, बोला जाता है, यानी कि जितने भी प्लांट जनरली होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं आलू की, ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो जैसे मान लो शकरकंद है, आलू है, मूली है, वो क्या होते हैं, थोड़े से आपने देखा होगा कि ये जो फ्रूट्स ऐसे होते हैं ये थोड़े से फूले होते हैं। रीज़न उसमें हम यही पढ़ते हैं कि इनमें जो स्टार्च है या जिसको अपन मंड बोल देते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, वो इसमें क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो उनका रीज़न सिर्फ यही होता है कि स्टार्च उनके बीच में होता है स्टोर, दैट इज़ वाई वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ये जनरली क्या है, पादपों का संचित भोजन है जिसे हम स्टार्च बोलते हैं। और सेल्यूलोज अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सब जानते हैं कि जो पादपों की या प्लांट्स की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, और ये एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड के क्या है, उदाहरण है। जबकि हम बात करें वसीय अम्ल, तो वसीय अम्ल जो है स्पेशली जब हम बात करते हैं लिपिड्स की, तो उनमें क्या है हम ये पढ़ते हैं, या जब हम बात करते हैं फैट की, वसा की, तो उन्हें बेसिकली वसीय अम्लों को हम पढ़ते हैं जो, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये हम इनके बीच में बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। वहीं हम बात करेंगे अगर थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है प्रोटीन, तो प्रोटीन तो है जनरली किसके बने होते हैं, अमीनो अम्लों के ही बने होते हैं। अमीनो अम्ल जो हैं वो किस क्या बनाने में, प्रोटीन्स को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो जनरली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने हुए हैं, लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा जो है जैसे नाइट्रोजन है या सल्फर है, ये भी क्या है, इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो हमें जनरली क्या है, प्रोटीन में मिल सकते हैं। तो इसका जो
बिल्कुल सही वाला आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट होगा कि ये एक सामान्य क्या है, शर्करा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा बतानी है कौन सी है। हाँ जी, तो सबसे मीठी शर्करा यानी कि सबसे स्वीट शुगर जो है वो आपसे पूछा जाए, तो आपके पास देखो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और सुक्रोज। क्या दे रखा है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और सुक्रोज। हाँ जी, सबसे मीठी शर्करा, इसमें जो सबसे पहले सही वाला ऑप्शन होगा उसको टिक करते हैं, आंसर होगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसका एकदम सही क्या होगा, आंसर होगा। इसी के साथ साथ ध्यान रखो कि इस फ्रक्टोज को फलों की शर्करा बोला जाता है। फ्रूट्स में जो है आपको मिलती है शुगर, वो कैसी होती है? फ्रक्टोज होती है। फ्रूट्स में जो शुगर मिलती है, या फलों की शर्करा कह दो, फ्रूट शुगर कह दो, क्या नाम देना है? फ्रक्टोज कहना है। और प्राकृतिक रूप से मिलने वाली भी लिखा हुआ है, तब भी आप यही आंसर करोगे कि सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा या प्राकृतिक रूप से मिलने वाली सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन पे लिखा हुआ है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? जनरली शर्करा तो है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मीठी शर्करा नहीं है, इसे हम रक्त की शर्करा कहते हैं। रक्त की शर्करा यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं, ब्लड में हमारे जो शुगर मिलती है, सबसे ज्यादा मिलने वाली ब्लड में जो शुगर है वो कौन सी है? ग्लूकोज ही है, ठीक है। देन है थर्ड नंबर पे गैलेक्टोज। हाँ जी, गैलेक्टोज जो है ये, ठीक है, ये भी देखो एक चीज और देखो, फ्रक्टोज लिखूं, ग्लूकोज लिखूं या गैलेक्टोज लिखूं, ये तीनों ही मोनोसेकेराइड के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं, मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। ग्लूकोज जो है ये, ठीक है, जो हमें मिल्क में मिलने वाली शुगर होती है, लैक्टोज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उसे बनाने में इस गैलेक्टोज का क्या होता है? योगदान होता है, या फिर गैलेक्टोज से ही क्या होती है? जो लैक्टोज होती है वो बनती है। तो इसे कहीं ना कहीं जो दूध की या फिर दुग्ध शर्करा भी, इसे कहीं ना कहीं बोल दिया जाता है, लेकिन इसको पूरी तरीके से आपको मिल्क शुगर या दूध की शर्करा नहीं बोलना, क्योंकि अगर आपको सीधा पूछा जाए दूध की शर्करा, तो आपने हमेशा प्रेफरेंस देनी है लैक्टोज को, ठीक है। अब क्योंकि ये लैक्टोज जो है ये मिलकर बनता है ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज से, किससे मिलकर बनता है, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, तो इसीलिए गैलेक्टोज को कभी कभी जो है वो इस तरीके से लिख दिया जाता है। लेकिन अगर आपको प्रेफरेंस देनी पड़े या प्राथमिकता देनी पड़े, तो आप लैक्टोज को ही क्या करके आएंगे, मिल्क शुगर जो है वो लिख कर आएंगे, ठीक है। और जबकि अगर हम बात कर रहे हैं इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ की, जो कि क्या दे रखा है? सुक्रोज दे रखा है, तो सुक्रोज जो है वो इन तीनों को छोड़कर सुक्रोज सबसे अलग एक क्या है? डाइसेकेराइड है, ठीक है। सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड है। और इस सुक्रोज को हम जनरली बोल क्या देते हैं, ये बहुत सारे नाम जो हैं वो सुक्रोज के हैं, मैं लिखती जाती हूँ, इसे नोट करते जाइएगा। सुक्रोज एक ऐसी शर्करा है जिसके सबसे ज्यादा सामान्य नाम जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। रसोई घर की शर्करा, इसे बोलते हैं रसोई घर की शर्करा, यानी कि हमारे किचन में जो शर्करा, जो चीनी जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं, जो यूज़ होती है, जो शुगर यूज़ होती है, उसे कई बार स्टूडेंट्स को ऐसी गलतफहमी होती है कि वो ग्लूकोज होती है, वो ग्लूकोज नहीं होती, वो कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। तो इसे किचन शुगर बोल सकते हैं, साथ में रसोई घर की शर्करा भी बोल सकते हैं। अब इसका एक और नाम इंग्लिश में लिखा जाता है कई बार, टेबल शुगर इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टेबल शुगर जो है वो भी क्या है, इसे बोल देते हैं। बात एक ही हुई ना, रसोई घर की शर्करा कह रहे हैं या टेबल शुगर कह रहे हैं। इसके अलावा एक और इसका नाम है, इसे व्यापारिक शर्करा बोला जाता है। व्यापारिक शर्करा भी किसको बोला जाता है? सुक्रोज को बोला जाता है। व्यापारिक शर्करा इसको सुक्रोज को कह दिया। इसी के साथ साथ व्यापारिक तो औद्योगिक शर्करा भी इसको कहना है, क्योंकि आपको देखो ट्रेड शुगर है, बिजनेस किया जा रहा है, इसी चीनी का यूज जो है सबसे ज्यादा किया जाता है, तो इंग्लिश में इसको लिख देते हैं ट्रेड, उद्योग हो रहा है ना इसका, तो ट्रेड शुगर इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। इसके अलावा गन्ने की शर्करा भी इसको बोला जाता है। गन्ने की शर्करा जो है वो भी इसको क्या है? बोला जाता है। तो कितने सारे नाम हैं, ठीक है, रसोई घर की शर्करा कह दिया, टेबल शुगर कह दिया, औद्योगिक शर्करा कह दिया, व्यापारिक शर्करा बोल दिया, गन्ने की शर्करा बोल दिया। गन्ने की शर्करा बोलने के साथ साथ ही एक और नाम इसका, इक्षु शर्करा भी किसको कहते हैं? सुक्रोज को ही कहते हैं। इक्षु शर्करा भी किसे बोला जाता है? सुक्रोज को बोला जाता है। और एक नाम इसका याद रखो, प्रतीप शर्करा भी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं
इनवर्ट शुगर, क्या बोलते हैं इनवर्ट शुगर, हिंदी में बोल देते हैं प्रतीप शर्करा, इक्षु शर्करा कह दो, या फिर इंग्लिश में इसकी जगह पर केन शुगर भी क्या है इसको बोल दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम आपके किसके मिलते हैं, सुक्रोज के। और किसी भी एग्जाम में अगर हम पूछें किसी भी कार्बोहाइड्रेट में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस पर बनते हैं, सुक्रोज पर बनते हैं, ध्यान रखना। और ये सारे नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्या कर लो, याद कर लो। हाँ जी, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। निम्न में से डाइसैकेराइड का उदाहरण आपको बताना है। डाइसैकेराइड जनरली हम क्या पढ़ते हैं, जब दो मोनोसैकेराइड की इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं और एक नया कार्बोहाइड्रेट जो है वो बना लेती हैं तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, डाइसैकेराइड। हाँ जी, इनमें से देखो राइबोज, राइबोज जो है वो एक मोनोसैकेराइड है, ध्यान रखना मोनोसैकेराइड है, ठीक है मोनोसैकेराइड है। माल्टोज जो है ये इसका सही आंसर होगा डाइसैकेराइड, माल्टोज जो है वो इसका सही आंसर होगा, ये एक डाइसैकेराइड है। पूछा जाए बनता किससे है तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज, दोनों ही इकाइयाँ किसकी जुड़ती हैं, ग्लूकोज की ही जुड़ती हैं, दोनों ही इकाइयाँ इसमें किसकी जुड़ती हैं, ग्लूकोज की जुड़ती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर है उसके बाद देखो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो हमें पता ही है कि ये क्या है, एक मोनोसैकेराइड है, तो ग्लूकोज तो खुद अपने आप में सिर्फ एक ही इकाई है ना, ये भी मोनोसैकेराइड है। फिर है सेल्युलोज, तो सेल्युलोज जो है इसको, अच्छा ये एक पॉलीसैकेराइड का क्या है, उदाहरण है, किसका एक उदाहरण है, पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने ये चीज पढ़ी भी थी, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, माल्टोज होगा, यहाँ हमने सही आंसर फ्रक्टोज पढ़ा, फिर हमने बात की यहाँ पर ये सामान्य शर्करा थी, तो जो सही आंसर है उसे तो टिक कीजिए कीजिए, लेकिन उसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आप दूसरे ऑप्शन के साथ यहाँ पर नोट कर सकते हैं उनको भी कर लीजिए। नेक्स्ट है स्टार्च के पाचन पर बनने वाला सबसे अंतिम उत्पाद कौन सा है। देखो जो स्टार्च होती है उसका जैसे क्या होता है, डाइजेशन होता है। आई होप आप लोगों ने ये नेम नोट कर लिए होंगे, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करूंगी यहां से ताकि हम जो इंपॉर्टेंट चीजें कुछ दूसरी हैं उन्हें यहां पर क्या कर सके, फटाफट लिख सके। देखो अगर मैं बात करती हूँ स्टार्च की, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बता दिया था कि ये स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, ये क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। अब पॉलीसेकेराइड जनरली क्या होते हैं, जब पॉलीसेकेराइड, या फिर मैं पूछूँ पॉलीसेकेराइड बनते कैसे हैं, तो ध्यान रखो आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल जब पॉलीसेकेराइड के आते हैं ना, जैसे आपको पूछ लिया जाए स्टार्च, फिर आपको पूछ लिया जाए ठीक है अगर सेलुलोज, फिर आपको पूछ लिया जाए ग्लाइकोजन लास्ट, तो ऐसे जो तीनों चारों ऑप्शन जो आपके पास किसके आएंगे, पॉलीसेकेराइड के आएंगे, वो सभी सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से मिलकर ही क्या है, बनते हैं। जितने भी टाइप के पॉलीसेकेराइड हम पढ़ते हैं वो किससे, ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं। अब वो इकाइयाँ अलग अलग प्रकार से जुड़ सकती हैं, हो सकता है कोई इकाई जो है वो सीधी एक लाइन में जुड़ जाए, कोई है जिसके बीच में एक लाइन ऐसे मिल रही है, एक ग्लूकोज की लाइन चेन ऐसे मिल रही है, आपस में क्या हो जाए, उनमें बंद बन जाए, ऐसे अलग अलग प्रकार से इकाइयां जुड़ सकती हैं, लेकिन बनेंगी किससे, ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर या ग्लूकोज के जुड़ने से ही बनेंगी। हो सकता है कहीं 100 ग्लूकोज के अणु जुड़ रहे हैं, कहीं 1000 जुड़ रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, जुड़ने का क्रम अलग हो सकता है, संख्या अलग हो सकती है, लेकिन होंगी सारी की सारी कैसे, ग्लूकोज की ही इकाइयां। तो अब आप बताओ कि जब स्टार्च का पाचन होगा, डाइजेशन होगा, तो कौन सा अंतिम उत्पाद जो बनेगा, तो सबसे छोटी इकाई जो है वही क्या होगी, बनेगी। अब माल्टोज तो आपने पढ़ा कि ये क्या है, एक डाइसैकेराइड है, क्या है, एक डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड तो बनेगा नहीं क्योंकि इसको कंप्लीट आपको क्या करना है, तोड़ना है, पूरी तरीके से तोड़ना है। हाँ जी, सुक्रोज भी क्या है, एक डाइसैकेराइड है, तो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि सुक्रोज भी मैंने बताया कैसे बनता है, ग्लूकोज के जुड़ने से, और ग्लूकोज के साथ जब हम फ्रक्टोज को जोड़ देते हैं, यहाँ लिख लेना, जब हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज से जोड़ देते हैं तब सुक्रोज जो है वो बनता है, तो ये भी डाइसैकेराइड है। लैक्टोज, इसको बोला जाता है मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा, ये भी क्या है, एक डाइसैकेराइड का ही क्या है, एग्जाम्पल है। अब डाइसैकेराइड भी नहीं बनेगा, लेकिन जहां पर ऑप्शन मिल रहा है ग्लूकोज, अब ग्लूकोज एक क्या है, मोनोसैकेराइड का ही एग्जाम्पल है, यानी कि सबसे सरल आपको क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज ही हम पढ़ते हैं, तो ग्लूकोज यहां पर क्या हो जाएगा, एकदम इसका सही आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण होता है।
देखो पहले इस क्वेश्चन को समझो क्या होता है। मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में हम क्या करते हैं, जनरली सुक्रोज को, ठीक है, या फ्रक्टोज है, हम ऐसे अलग अलग शुगर जो है वो क्या करते हैं, खाने के साथ लेते हैं। अगर आप कोई भी फ्रूट खा रहे हो, आप कोई भी फल खा रहे हो, तो आपको कौन सी शर्करा मिलेगी, फ्रक्टोज मिलेगी। अगर आप नॉर्मल चीनी जो है वो खा रहे हो, तो आपको कौन सी शर्करा मिलेगी, सुक्रोज मिलेगी। अब चाहे मैं सुक्रोज की बात करूँ, चाहे मैं फ्रक्टोज की बात करूँ, चाहे आप जो है वो क्या कर रहे हो, माल्टोज ले रहे हो, ये माल्टोज जो है ना, इसे बोला जाता है अंकुरित अनाजों की शर्करा। ध्यान रखो, माल्टोज लिखा हुआ आएगा, आपने इसे बोलना है अंकुरित अनाजों की शर्करा या फिर बीजों की शर्करा। जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, या जो अंकुरित अनाज होते हैं, उनमें कौन सी शर्करा मिलती है, माल्टोज, ठीक है। फिर अगर आप दूध पी रहे हो, तो आपको कौन सी शर्करा मिल रही है, लैक्टोज। लेकिन इन सभी शर्कराओं को बनाने में, अगर आपने ये चीज़ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ग्लूकोज तो आपको हर प्रकार की शर्करा में ही मिलता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा तो वो बन जाएगा, ठीक है, सुक्रोज बन जाएगा। ग्लूकोज ग्लूकोज मिलेगा तो क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, ठीक है, लैक्टोज मिल जाएगा। ये सिंपल सी चीजें हैं। ग्लूकोज तो हर जगह पर मिल रहा है, तो अब क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मान लो आपने सुक्रोज खाया, सुक्रोज जैसे ही आप लेंगे वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप फ्रक्टोज लेंगे वो भी क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो अब फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है। तो एक्चुअली में ये सारे के सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही हैं। तो हम क्या करते हैं ना, कई बार हमने मान लो एक साथ जो है वो काफ़ी चीज़ें खा ली, हमें उनसे काफ़ी सारा कार्बोहाइड्रेट जो है मिल गया, लेकिन हमारी बॉडी को अभी उस कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हम ये जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत थी, जितने हमारे शरीर को आवश्यकता थी, हमने उसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। लेकिन जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट अब आपने अपने भोजन के साथ ले लिया है, उसका क्या, ठीक है, तो उसे हमारी बॉडी या हमारा जो शरीर है वो क्या करता है, उसका संग्रहण करके रख लेता है, और संग्रहण करके रखता है ताकि बाद में अगर आपको काफ़ी टाइम तक जो है मान लो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता, ग्लूकोज नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें पता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से काम करने की क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हम काम कर पाते हैं, इंस्टेंट एनर्जी इनसे मिलती है, तुरंत ऊर्जा ये क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, ग्लूकोज जो है हमें। तो अगर काफी टाइम तक आपको वो चीजें नहीं मिल रही है तो क्या होगा, जहां पर ये ग्लूकोज जाकर क्या हो रहा है, जम गया है या इकट्ठा हो गया है, जमा हो गया है, वहां से अब धीरे धीरे ये ग्लूकोज क्या हो जाएगा, टूटने लगेगा, और बॉडी में जहां जहां पर जैसे जैसे आवश्यकता है वहां जाकर वो क्या करेगा, उसकी पूर्ति करेगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में पुनः संग्रहित होता है या इकट्ठा होता है, इसका संग्रहण होता है, तो सही आंसर आप क्या देंगे, ग्लाइकोजन देंगे। क्या आंसर सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन। स्टार्च तो हम कहते हैं क्या है, ये पादपों का, ठीक है, ये पादपों का संचित भोजन है। ग्लूकोज तो ये एक बहुत ही सरल सा अणु है ना, ग्लूकोज तो सबसे ज्यादा सरल अणु है। ग्लूकोज को तो क्या करना है, आगे जोड़ना है और इससे क्या बना देना है, ग्लाइकोजन। और शुगर इसका जो है वो सही आंसर नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। शुगर तो जनरली हम शर्करा को बोल देते हैं, वो शर्करा तो कोई भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है, ग्लाइकोजन शर्करा है, जो है ग्लूकोज है शर्करा है, फिर फ्रक्टोज है, तो ये सारी क्या है तो शर्करा ही ना, तो लेकिन शर्करा नहीं लिखना, आपको लिखना है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है इसका एक और नाम जो है वो लिखा जाता है, मैं यहां पर आपको लिख देती हूं, जब भी आपको क्या लिखा हुआ है, ग्लाइकोजन जो है वो आपको लिखा हुआ आ जाए, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं, यानी कि जंतुओं का संचित भोजन, एनिमल स्टार्च कह सकते हो, या फिर जंतुओं का संचित भोजन भी हम किसको कह सकते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन को कह सकते हैं। क्योंकि जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, जो उनके पास एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट होता है उसको इकट्ठा करते जाते हैं अपने में और स्टार्च की फॉर्म में जमा करते हैं, सेम वैसे जो एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या जो मानव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं उसे, या उसमें से जितना भी उनको ग्लूकोज मिलता है उसको इकट्ठा करते जाते हैं ग्लूकोज को, और क्या बन जाता है, जब ग्लूकोज बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन जो है वो लिवर में संग्रहित, यकृत में क्या रहता है, संग्रहित रहता है, ध्यान रखना है जी। पूछा जाए कि ये जो ग्लाइकोजन है
इसका संग्रहण कहाँ होता है, तो यकृत में क्या किया जाता है, इसका संग्रहण किया जाता है शरीर, मानव शरीर के द्वारा। और जब जरूरत होगी, अब बना तो ग्लूकोज ही है, तो वापिस ये छोटे छोटे ग्लूकोज के मनुओं में टूटता जाएगा, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे आवश्यकता होगी, वैसे वैसे काम करता जाएगा। तो ये इसका क्वेश्चन। हाँ जी, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, लंबे समय के लिए ऊर्जा देने वाले, ठीक है, स्रोत। अब आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक समय अंतराल के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए। देखो, एनर्जी जो आपको किन किन जैवणों से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है, उसके बाद जो वसा होती है उनसे मिलती है, और कुछ एनर्जी जो है वो हमें किससे मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीन ऐसे हम पदार्थ पढ़ते हैं। वैसे प्रोटीन्स को इनमें बहुत कम ऐड किया जाता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्रोटीन से आपको किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। प्रोटीन्स जो हैं वो भी हमें कुछ एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कार्बोहाइड्रेट और वसा के कंपेरिजन में नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तीन ऑप्शन मिल गए। ध्यान रखो, विटामिन इसका सही आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि विटामिन जो है नहीं हो सकता, ध्यान रखो, विटामिन ऊर्जादायी या ऊर्जादायी पदार्थ नहीं होते, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। जबकि ये जो विटामिन्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में जितनी भी उपापचयी अभिक्रिया चल रही है, जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, उनको करवाने में कहीं ना कहीं, ठीक है, हेल्पफुल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सहायक होते हैं, या फिर इसके अलावा कि जो हमारे शरीर की एक प्रॉपर ग्रोथ है, एक शरीर की बिल्कुल नियंत्रक वृद्धि और विकास के लिए बात करें, तो वहां पर भी क्या रहता है, इनका काफी ज्यादा रोल जो है रहता है, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन एनर्जी हमें विटामिन से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। फिर है, हाँ जी, प्रोटीन। तो प्रोटीन मैंने आपको बोला कि ये ऊर्जादायी पदार्थ होते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा इनको कई बार बोला जाता है निर्माणकारी पदार्थ। ये जो प्रोटीन्स हैं ये निर्माणकारी पदार्थ कहलाते हैं, इन्हें ऊर्जादायी पदार्थ नहीं, निर्माणकारी, बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। हमारी बॉडी को बनाने में जो है वो इनका काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, एक रोल जो है वो होता है, तो इनका हाथ होता है हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करवाने में, बनाने में। और फिर आया कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा वसा। जो वसा है या जिनको अपन फैट्स बोलते हैं, वो हमें लंबे समय के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। जबकि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन ये तुरंत ऊर्जा क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, लंबे समय के लिए नहीं, बल्कि तुरंत ऊर्जा क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अगर आपको कभी भी क्या लग रहा हो, मान लो एकदम से आपको लगे कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, लो हो गई है, सारी एनर्जी ड्रेन हो, पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, आप काफ़ी थका थका फील कर रहे हो, तो अगर आप चाहो तो एक चम्मच जो क्या है, शुगर आपके घर में होगी, चीनी जो है ना वो खा लो, तो अगले 15 से 20 मिनट के लिए आपको एनर्जी मिल जाएगी। आप एक दो चम्मच चीनी खा लेंगे ना, आपको अगले 15 से 20 मिनट के लिए काम करने की एनर्जी जो है वो उससे मिल जाएगी, ठीक है। उसका रीज़न यही, क्योंकि हमने बोला ये तुरंत ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी जो है प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम देखें वसा की बात करें, तो वसा में जनरली हम क्या पढ़ते हैं ना, हम घी, तेल, ऐसी चीज़ें की बात करते हैं, फैट जिनसे हमें क्या है, मिलती हैं। तो ऐसी चीज़ों का यूज़ आप देखो, आप सर्दियों के टाइम पर आपके घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो क्या है, बनती जाती हैं, जो क्या होती हैं, बॉडी को गर्म रखने का काम करती हैं, या उनके बीच में जो घी वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, डलता है, ऐसा होता है ना। उसका रीज़न यही होता है कि उस टाइम पर हम एकदम क्या हो जाते हैं, सर्दियों में, ठीक है, हमारी एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती, हम पूरी तरीके से क्या होते हैं, निष्क्रिय होने लगते हैं, हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते, बॉडी या हाथ पैर जो है वो ज़्यादा नहीं चलाते हैं, ऐसा ही होता है। तो रीज़न उसका यही होता है कि उस टाइम पे हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने शरीर को क्या रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, हीट देने के लिए, और वो हमें किसी और चीज़ से नहीं बल्कि वसा से ही क्या है, सबसे ज़्यादा मिलती है। तो अगर आप क्या करते हैं, वसा का सेवन करते हैं, तो उससे आपको काफ़ी टाइम के लिए क्या मिलती है, जो एनर्जी है वो क्या है, मिल जाती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो तुरंत ऊर्जा क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत कैसे, कौन कौन से होते हैं। अगर आप बात करते हो सोयाबीन की, आप बात कर रहे हो दालों, जितनी भी दालें होती हैं, आप बात कर रहे हो मांस, अंडा, ये सभी क्या हैं,
प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्स हैं। तो देखो इसमें दूध है, दूध में भी हमें प्रोटीन मिलती है। दूध की प्रोटीन जो होती है कैसीन होती है। कैसीन जो है वो क्या है, दूध की प्रोटीन का नाम है। और जो मांस है, अंडा है, इनमें भी हमें प्रोटीन मिलती है। दालें जो हैं वो प्रोटीन्स की एक बहुत ही अच्छी क्या होती हैं, स्रोत होती हैं। जबकि चावल जो है, चावल से हमें प्रोटीन जो है वो क्या है, नहीं मिलता है। चावल से हमें क्या मिलते हैं, जनरली कार्बोहाइड्रेट जो है, स्टार्च जो है वो हमें यहाँ से क्या है, मिलते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या सा हो जाएगा, चावल। इनमें से दालों में भी हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। दूध जो है उनमें भी हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। और मांस में भी, जबकि चावल ऐसा है जिनमें प्रोटीन क्या है, नहीं मिलते। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। फटाफट इनको नोट कर लीजिए, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो और हैं वो भी क्या करते हैं, हम यहीं पर समझते हैं। तो हाँ जी, देखिए अब क्या है, अगले जो क्वेश्चंस है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला, निम्न में से किस में प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा मिलती है। तो हाँ जी, अगर हम बात करें, देखो चना लिखा हुआ है, उड़द है, मटर है। तो जनरली हमें क्या है, पूछा गया है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो हमें किस में मिलती है। अगर मैं बात करूँगी चने की, तो ये जनरली क्या है, दालों में से है। उड़द जो है वो भी क्या है, दाल है। तो हमें पता है कि जो दालें होती हैं या जो दलहन होते हैं वो हमें क्या करते हैं, उनसे हमें प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हैं, मिलती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीधा सा आंसर आप लोगों को क्या दिखेगा, आपके सामने ही दिखेगा कि कोई भी, अगर हम बात करें जनरली शाकाहारी अगर कोई है तो उसके लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा, सबसे उत्तम जो स्रोत होता है वो क्या होता है, सोयाबीन होता है। सोयाबीन में हमें हाईएस्ट प्रोटीन जो है वो क्या है, मिलती है। और अगर बात करें किसी भी शाकाहारी के लिए, किसी भी वेजिटेरियन के लिए पूछा जाए, तो कंप्लीट आप आंसर तब भी क्या करके आएंगे, टिक करके आएंगे, सोयाबीन ही। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का क्या रहता है, ये सोर्स रहता है। हाँ जी, अगला है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि अगर हम बात करें यकृत में, तो यकृत में क्या मिल रहा है हमें, कार्बोहाइड्रेट। हमने क्या किया था, बताया था ना, ग्लाइकोजन को किस में जोड़ा था हमने, यकृत में ही स्टोर किया था, संग्रहित किया था। तो इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर हम बात करें त्वचा में, तो त्वचा में वसा का जमाव तो होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। लेकिन त्वचा से भी सही आंसर जो हम इसका लिखेंगे, ठीक है, अगला आंसर तो है ही इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा वसीय उत्तक, या तो वसा उत्तक लिखा हुआ है, वो टिश्यूज, वो उत्तक जिन्हें कि क्या बोला जाता है स्पेसिफिकली, वसीय उत्तक या फिर फैटी टिश्यूज जो है जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनमें वसा का जमाव जो है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगला है 10th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो ये क्वेश्चन हमने अभी देखा ही था, याद करो प्रोटीन जो है वो जनरली हमें थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो दे देते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, एनर्जी देते हैं, बट यस प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो मैंने बताया कि क्या तुरंत ऊर्जा जो है वो क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, जबकि वसा जो है उनसे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और उसी के साथ साथ क्या लिखना है, लंबे समय के लिए क्या मिलती है ऊर्जा, अगर पूछा जाए लंबे समय के लिए ऊर्जा, तो ये हमें किससे मिलती है, ठीक है, हाँ जी वसाओं से मिलती है। तो अगर पूछा जाए ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, विटामिन्स। विटामिन्स जो है मैंने बताया कि इन्हें हम क्या बोल देते हैं, ठीक है, जो उपापचयी, अभी हमारी जितनी भी अभिक्रियाएं चल रही हैं, कुछ उनको करवाने में, कुछ बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ करवाने में, या बॉडी की मेंटेनेंस अगर आपसे पूछा जाए कि एक सही नियंत्रण के लिए, रक्षा के लिए ये क्या ज्यादा जरूरी कारक हैं, तो तब हम क्या करते हैं, विटामिन जो है वो सही लिख कर आते हैं, ठीक है। तो विटामिन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसी से रिलेटेड है, कि निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो प्रोटीन तो है, मैंने बोला इस प्रोटीन को हमें क्या बोल देना है, निर्माणकारी पदार्थ बोलना है। प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग मटेरियल के जैसे काम करते हैं, निर्माणकारी पदार्थ हैं। वहीं जब हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट, तो ये ऊर्जादायी पदार्थ हैं, ठीक है, ऊर्जादायी। जो वसा है ये भी कैसी है, ऊर्जादायी पदार्थ है, यानी कि इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन हम बोले विटामिन जो है वो इसका क्या होगा, सही, ये रक्षात्मक पदार्थ होते हैं बॉडी की, ठीक है, रक्षा के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सुरक्षा के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें विटामिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, रतौंधी का मुख्य कारण बताना है कौन सा विटामिन है। रतौंधी जो है, ठीक है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो बोल देते हैं, तो इसमें सही आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा सही आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, विटामिन ए की कमी से क्या होगा, ये रतौंधी रोग होता है, ठीक है।
पूछा जाए विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से हम पड़ते हैं बेरी बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से हम कौन सा रोग पड़ते हैं? बेरी बेरी रोग। फिर पूछा जाए विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और अगर पूछा जाए विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस, दोनों ही रोग हैं हम कह देते हैं। या तो लिखा हुआ आता है ऑस्टियोमलेशिया या फिर लिखा हुआ आता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। इनमें जनरली हम क्या पढ़ते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। और विटामिन डी की कमी से, ठीक है, जैसे जैसे हड्डियाँ वीक होंगी तो जल्दी हड्डियों के टूटने का खतरा भी क्या है, रहता है। तो विटामिन ए जो है वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रातःकालीन सुबह सुबह धूप में, ये चीज बहुत कॉमन है और बहुत ही सिंपल सा क्या है क्वेश्चन है इसके बीच में, कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो धूप में, अगर हम प्रातःकालीन जो क्या है सूर्य की रोशनी में आप बैठते हैं, धूप में थोड़ी देर बैठते हैं, तो किस विटामिन के आप कह सकते हैं बॉडी में संग्रहित होने की मात्रा बढ़ती है या फिर उसका बॉडी में वो ज्यादा उत्पन्न, शरीर में ज्यादा उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर ए नहीं है, क्योंकि ये जो अगर मैं बात करूं विटामिन ए है, विटामिन बी है या सी है, ये जनरली हमें क्या है अलग अलग खाद्य पदार्थों से क्या है मिल जाते हैं। विटामिन डी भी हमें अलग अलग खाद्य पदार्थों से मिलता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि किस समय इनका जो संग्रहण है वो सबसे ज्यादा होता है या बॉडी में बनना स्टार्ट होता है विटामिन डी, तो इसका आंसर क्या होगा, जब आप धूप में बैठते हैं, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, विटामिन डी होगा, ना कि बाकी सभी विकल्प, क्योंकि बाकी जो है उनकी पूर्ति जो है वो हम कैसे कर लेते हैं, अलग अलग, ठीक है, खाद्य पदार्थों के सेवन से क्या है कर लेते हैं। हाँ जी, फिर है वसा में अघुलनशील विटामिन। देखो ध्यान रख लो, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वसा में विले, एक होते हैं वसा में विले और एक होते हैं जल में विले, एक होते हैं वसा में विले और एक होते हैं जल में विले। वसा में विले अगर आपको पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है KEDA, ठीक है। अब ये एक टर्म है KDEA, इसको आप जैसे पढ़ो, केड़ा पढ़ो, कीड़ा पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है वो, पर KEDA याद कर लो। ये कौन से होते हैं, वसा में, ठीक है, विले होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, और बचा विटामिन कौन सा, एक विटामिन सी और एक विटामिन बी, ये दोनों कैसे होते हैं, जल में विले होते हैं। तो वसा में विले विटामिन के, ई, डी और ए, ये सभी विटामिन किस में विले होते हैं, वसा में, और जल में विले जो पूछा जाए वो कैसे होंगे, सी और बी होंगे, ठीक है। तो जो वसा में विले होंगे वो जल में अविलय हो जाएंगे, जो जल में विले होंगे वो वसा में अविलय होंगे। तो क्वेश्चन है वसा में अघुलनशील विटामिन है, तो अभी हमने पढ़ा कि विटामिन के हमको किसमें मिल रहा है, वसा में घुलनशील, यानी कि ये कैसा होगा, विले। फिर ई भी इसमें मिल रहा था, ये भी कैसा होगा, विले। ए भी इसी में मिल रहा है, ये भी कैसा होगा, वसा में विले। लेकिन विटामिन बी जो है वो कैसा है, वसा में अघुलनशील विटामिन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी। और फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है जल में विले, तो जल में विले विटामिन आपको एक सी और एक क्या दे रखा है, बी। अब इसमें आपने देखा कि एक विटामिन ई, तो ये है इसका बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो वसा में विले है, ना ही डी, पढ़ा ना आपने KEDA में, और ना ही ए, जबकि जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट के कुछ एग्जाम्स में हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन तो क्लियर हुआ ही है, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं, ताकि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये पूरा जो सेशन था वो आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से मैं एक नए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें हम किसी और यूनिट के क्वेश्चन जो हैं वो भी क्या करेंगे, फटाफट कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।